मैंने भी आपका एक इंटरव्यू कहीं देख रही थी, इरफान जी, इमरान, वो गुफ्तगु, जी हाँ जी हाँ, इरफान है राज्यसभा दूरदर्शन पे दिल्ली, हाँ कोई बात तो नहीं, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ ये इस लम्हे की बात करनी है जब आपके साथ बैठा हूँ तो जो दिल में आएगा मैं मुझे आपसे नहीं पूछा, बट दैट कैरिड आउट सो वेल, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर भी कर दिया था, पर मैं और क्वेश्चन उसमें पूछना चाहूंगा, उन्होंने पूछा था कि मुक्ति के बारे में, कि मुक्ति हम सबके साथ है, समाज का रिफ्लेक्शन आपकी नज़मों में, पोएम में, ही ऑलमोस्ट एक्यूज यू कि वो नहीं आता, आप एक इंडिविजुअलिस्टिक व्यू लेकर आते हैं, एंड आपने कहा था कि ऐसा ट्रू नहीं है, आपने एक नज़्म पढ़ी थी कि ऐसा ट्रू नहीं है कि समाज का रिफ्लेक्शन है. That aside, मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर individualistic view भी है उसमें क्यों मुक्ति नहीं है, अगर हम self liberation कर पाए उसमें क्या मुक्ति नहीं है. और मैं Ayn Rand को quote करना चाहती हूँ, फाउंटेन हेड की जो author हैं, and she says, I've got it here, she says, independence is the only gauge of human virtue and value, what a man is and makes of himself, not what he has or hasn't done for others. And the other thing she said is, every form of happiness is private. Our greatest moments are personal, self-motivated, not to be touched. So she has this theory of objectivism where she says individual person, individualistic approach is our moral framework, right framework. She says, I don't work with collectives, I don't consult, I don't cooperate, I don't collaborate. आपका क्या व्यू है, क्या मुक्ति अकेले नहीं पाई जा सकती? अकेले भी पाई जा सकती है, और आपके साथ जो जुड़ जाए उन्हें भी मिल जाएगी. Isn't that true? ठीक बात है. और हम किसी के साथ लग लें जिनको मुक्ति मिलने वाली है, मतलब फाउंटेन हेड में, इट इज द ऑथर दैट स्पीकिंग. यस. It is the author. Fountain Head, when you talk of that character, then we are not talking of the character. We know we are talking of the author. Very because true. That is his philosophy. और वो उस तरह महसूस करते हैं. और वो परेशान सिर्फ इस वजह से हैं कि उनकी सोसाइटी हर वक्त उनके गिर्द दायरे बनाती रहती है. कि आपको इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, आपका दायरा ये है. वो लक्ष्मण रेखाएं खींचते रहते हैं कि इसके ये आपकी हद है, ये आपकी हद है, जिसे वो नहीं मानने को तैयार है, जिससे मैं मुत्तफिक हूं. आई एग्री विद हिम, बिकॉज हद तो तब हो, होराइजन तब हो कि सब जो होराइजन नजर आ रहा है दैट इज द एंड, बट इट्स नॉट सो. होराइजन पर आप, यू स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड द होराइजन, तो इज इट द सेम स्पॉट, द होराइजन कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग फर्दर. आप होराइजन पर एक जहाज को खड़ा कर दीजिए एंड स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड द जहाज, यू विल सी कि देयर इज होराइजन बियॉन्ड द शिप, उससे आगे भी है. तो जब आपकी जर्नी के साथ वो रेखा और वो होराइजन बदलता है तो वो फिक्स तो हो नहीं सकता, एंड दैट इज द एवोल्यूशन, दैट्स द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, that's the evolution of human being. जो आप पहले बात कर रहे थे, change with your, तो वो it has to. जी. इसलिए वो उस रेखा को fixed नहीं मानते. तो that is where I do agree with them. कि उसे आप तय मत कर दीजिए कि बस यहीं पर है. और अगर आप beyond that, if you see your mukti, तो then there are others. You can see the same. We are not all. क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ सब वैसे ही सोचेंगे, और ये भी मुमकिन नहीं है कि जो सब सोचे मैं वही सोचूं. सही बात है ना. So there's a sort of a, it's not a contradiction. It's an equation. जी. और वो एक्सटेंड होती रहती है आपके पास, मतलब मैं, हम तो दुनिया को जान भी कहां पाए, कितने ही जाना है. मैं
इस ग्लोब का जो साइज है जी, 300 जमीनें एक जुपिटर में आ सकती हैं, जो जुपिटर का साइज है ना, यू नो यू हैव रेड दैट बिकॉज वी हैव रीच्ड अप टू जुपिटर, उतने हद तक हम पहुंचे हैं। और कल की जो खबर थी अगर आपने पढ़ा हो तो दे हैव फाउंड अनदर प्लैनेट अराउंड अनदर स्टार विच कैन एकोमोडेट 300 जुपिटर्स। ये कल की खबर? जी हाँ, कल की खबर है, साइंस की, टाइम्स ऑफ इंडिया में कल की, उसमें देख लीजिए। मैंने देखी नहीं। तो अगर ये है तो आप की हद तो कहाँ खींचेंगे, आप किस जगह पे? वी हैव सीन, हम कहते हैं कि जिंदगी है कि नहीं बाहर, जिंदगी इट्स बबलिंग आउटसाइड, इट्स बबलिंग एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, लेकिन 9 प्लैनेट्स देख के हमने कह दिया, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर प्लैनेट्स अराउंड देम, मतलब आप रेत के जर्रे जितने आपको बीच में नजर आ जाए उससे ज्यादा तो आपके यहाँ प्लैनेट्स और स्टार्स हैं। स्टार्स मीन सन्स, आवर्स इज कॉल्ड अ ड्वार्फ सन इन द यूनिवर्स जी, इट्स कॉल्ड इवन इन साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड अ ड्वार्फ सन, जो हमारे गैलेक्सी का जिसमें 9 ग्रह आपको मालूम है और कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, तो इट इज लाइक दैट। जो टैगोर जैसे कहते हैं ना कि बतख पानी में चोंच डुबो के ऊपर आता फड़फड़ा के कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जरा नीचे तो जाइए उसके पानी के। तो जब आप ये सवाल करते हैं मुझसे कि क्या अकेले मुक्ति नहीं मिल सकती, अकेले मिल सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा वो वही बस आप ही हैं, देर आर अदर्स ऑल्सो, और जो सब सोचते हैं वो आप नहीं है, ये भी नहीं। तो इन अ वे अकेले तो थोड़ी, इन अ वे यू आर फाइंडिंग और गिविंग अनदर विजन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी आपको छू के गुजरती है हर वक्त, आप उसको उसमें से जो लम्हा पकड़ लें उसके लम्हे को डिफाइन कर लें और कतरा कतरा जी पल की मज़ में फ्रेश कंप्लीट नहीं है, नहीं सुनाइए प्लीज। और व्हाइल वी लुकिंग फॉर इट, आपको सिडनी आना है बाय द वे, ये देखिए लेट्स सी, हाँ नहीं बिल्कुल क्या मज़ा आएगा, वी हैव टू ऑर्गेनाइज समथिंग वेरी सून। मैं अक्सर पिल पिले लम्हे उठाकर देखता रहता हूँ उंगली से दबाकर, पिक अप दोस मोमेंट्स, मतलब रबड़ के बुलबुलों जैसे ही लगते हैं। मैं अक्सर पिल पिले लम्हे उठाकर देखता रहता हूँ उंगली से दबाकर, हर एक लम्हे में कोई एक धड़कता वक्त रखा है, अ मोमेंट इज नॉट अ शेयर मोमेंट, a moment has an entire time caught into it. हर एक लम्हे में कोई एक धड़कता वक्त रखा है, पिचक जाए कोई तो न जाने क्या निकले, दबा के ये हो सकता है तन्हाई का वीराना निकला है, वो भी धड़कती है, ये बल खाता बगुला कोई भंवराता हुआ निकले, उड़ा ले और फिर पाँव न पड़ने दे जमीन पर। एक और बड़े जरखेज होते हैं ये लम्हे, कोई तो हमला होते हैं और उनसे और लम्हे जन्म लेते हैं, अ मोमेंट गिव्स बर्थ टू अनदर मोमेंट एंड टू अनदर, दे आर ऑल प्रेग्नेंट, and they are pregnant not only with moment, they are pregnant with the entire time, a moment. बहुत से बांज भी होते हैं लम्हे, बांज समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो
चार मोमेंट जो बिल्कुल बांझ होते हैं उनका क्या होता है तो, वो पिलपिले नहीं होते नहीं I'm in the process of finding it. तो what I'm thinking, don't limit it. जी. Don't stop it anywhere. Life is a continuous flow. And वो नब्स पे हाथ रख के देखिए वक्त की कि अब धड़कता है कि नहीं धड़कता है. जब तक वो धड़कता है वो जिंदा है. जैसे आपने उसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे कई सारे एंटीनाज ऑन हैं, वो चाहिए ना टू कैप्चर दोज मोमेंट्स. कीप योर एंटीनाज ओपन. कीप योर एंटीनाज ओपन, दैट्स द ट्रिक. क्योंकि कोई लम्हा नहीं है जो जिंदगी आपको छू के ना गुजरती हो. जी. इट्स अप टू यू हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू कैप्चर. आई थिंक मेरा सवाल आपका सिंपल था, मैंने खाम खोस को डिफिकल्ट कर दिया. सवाल नहीं, बहुत सिंपल था, मैंने मुश्किल कर दिया उसे. और इसमें व्हाई डिड इट टर्न ऑफ, नहीं वो हो, वो उसका आंसर मुझे मिल ही गया. क्योंकि इसमें मैंने बहुत मिल गया आपको जवाब या मुश्किल हो गया? और नहीं, मुश्किल है ये क्वेश्चन कि इंडिविजुअल या सबके साथ. लेकिन जब से ये क्वेश्चन या फाउंटेन हेड पड़ी है या इनकी ऑब्जेक्टिविज्म पे सोचना शुरू किया है, मैं ज़्यादा ग्रेविटेट हुई हूँ टूवर्ड्स यू नो सबके साथ, बिकॉज दैट्स वेयर वी आर, दैट्स अवर रियलिटी, दैट्स द मोमेंट वी लिव इन एवरी सिंगल मोमेंट. सो आपने वो अफर्म किया थोड़ा सा. हाँ, वो इतना अकेला नहीं है. नहीं, इतना अकेला भी नहीं. नहीं, मुझे मिल गया, समझिए ये वाला मोमेंट मिल गया. और भी क्वेश्चन है मेरे पास. आपके पास टाइम है? इट इंस्पायर्स यू, ट्रू, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, बट इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल. नहीं, दैट एनालिसिस इज नॉट कंप्लीट. Right. It's one individual. जी, that's right. But it has not, it has not been seen in a total perspective. जी. तो उसकी perspective पूरे नहीं. Yeah. But when you're reading it, you're right. You just. It inspires you tremendously. हाँ, वो आपकी उम्र की किताब है, हमने भी उसी उम्र में पढ़ी थी. Architecture, हम लोगों ने architecture किया दोनों ने. तो being Howard Roark being an architect, उस समय it was a cult. Novel classic, we had to read it. We did also. But I read it again recently, और सोच रही थी इन सब चीज़ों के बारे में.